Can I be your superhero? कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। सबसे पहले आपको डाइट का थोड़ा सा डाइट में आपको मैं बता देता हूँ, अपने काप्स को थोड़ा ज्यादा लोड करना है अगर आपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा, अगर सपोज करिए स्क्वाट है, स्क्वाट आपने कैसे स्टार्ट करनी है। अभी मेरी 240 की स्क्वाट है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 20 या फिर 15 20 के जो है वेट में डाल के और 20 किलो की जो रॉड है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तो 20+10 ये हो गया आपका 30-60 kg से मैं स्टार्ट करूँगा अपनी डेड अपनी सॉरी अपनी स्क्वाट। अब मैं इसको कैसे ले जाना है, अगर मैंने 20 से स्टार्ट किया, 20 से स्टार्ट करने के बाद फिर मैं इसमें 15-15-15-15 ऐसे इंक्रीज करूँगा, दोनों साइड 15-15 बढ़ाने, इसके कम से कम 8-10 रेपिटेशन मेरे को लगाने होंगे पहली बार। और एक लेवल तक जो मेरा 240 है, 240 तक अगर मैंने इस वीक में मारी है तो उसके बाद फिर मेरे को नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके अगले वीक में फिर से मेरे को रेस्ट लेना पड़ेगा, फिर जो हर 2 सप्ताह के बाद हर 2 वीक के बाद मेरे को फिर से हैवी स्क्वाट मारनी है अगर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। पहले दूसरा मैंने जनरली देखा बंदे क्या करते हैं, अभी 20 से स्टार्ट किया एकदम से वेट को क्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, वो सोचते हैं कि 8 सेट के बजाय मैं 3 सेट में पूरा अपना स्क्वाट खत्म कर दूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूँ उसका रीज़न ये है कि अगर आप धीरे 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 बढ़ाओगे, जब आप 240 मेरी स्क्वाट है, मेरे को अगर 250 उसको इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना है, 2.5 किलो से स्टार्ट करना है, 2.5 किलो में लगाना है 2.5 किलो, ऐसा नहीं मैं एक ही बार में 10-10 किलो लगा दूँ या 5-5 किलो लगा दूँ, उससे आपकी स्क्वाट बढ़ेगी नहीं, उससे आपकी स्क्वाट नहीं हो जाएगी। तो आपने धीरे 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 आपने इस चीज़ को इंक्रीज करना है थोड़े थोड़े वेट से और रेपिटेशन बढ़ाने हैं। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने जो है इससे पहले आपने जो है अगर आप स्क्वाट मार रहे हो, आपने फुल 240 मार ली, मारने के बाद आपने उसके 2 या 3 सेट आपने फिर से नीचे डाउन करने हैं, जैसे आपने ऊपर उठाया वैसे आपने धीरे 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 कम करना है। अगर 240 है उसमें से फिर आप 30-30 किलो निकाल के उसके मैक्सिमम रेपिटेशन लगाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर से आपने उसके फिर 30-30 किलो उठा के फिर से मैक्सिमम लगाने की कोशिश करो, इससे आपकी स्क्वाट बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी जो है स्क्वाट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। नॉट ओनली अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा आपके लिए बेंच की डालूंगा और डेड डिप की डालूंगा, लेकिन गाइस उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, उसमें एक बेल आइकन होगा उसको आप थोड़ा सा हिला दीजिए, उससे आपकी नई वीडियो जो भी आएगी वो आपको अपडेट हो जाएगी, आपके पास सारी वीडियोस मेरी पहुंच जाएगी और आपको जो भी नॉलेज रिक्वायरमेंट होगा प्लीज फॉरवर्ड में नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर इस चीज पर वीडियो बनाइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस चीज में बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।